अलहमदिल्लाबी वसलम محمد وعلى जना وصحبه वलि वासाबिही بعد محترم मोहरमदी उमीली भाइयों नौजवान साथियों बुजुर्गों इत्तबाए सुन्नत में रगबत दिलाने के लिए यानी नबी पाकलाम की सुन्नत और आपके तरीक़े पर अमल करने के लिए और उस पर उभारने के लिए मुल्लफ रहमत आल ने यानी इमाम मुनजी रहम आलिन ने जो सबसे पहले हदीस जिक्र की है उसके रावी हैं इरबाद बिन सारिया रज़ी तुम ये कहते हैं कि वज़ना रसूल सल्लास मऊदता की अल्लाह के रसूल सल्हुस ने हमको ऐसी नसीहत की और हमसे खिताब करके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी गुफ्तगू की मिनहल क़ुलूब कि जिससे हमारे दिल हिल गए दिल बहल गए थर्रा गए मिनहल उयून और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इस नसीहत से हमारी आँखें अश्कबार हो गई हमारी आँखें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की इस नसीहत से अशकबार हो गई फ़कुल ना तो हमने कहा या रसूल, रसूल अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लास का मब नबी करीम अल्लाह के रसूल सल्लम, जिस तरीके से आपने हमको नसीहत की है नसीहत का जो अंदाज और जिस तरीके से ज़ामे नसीहत आपने की है और इस नसीहत में इस खिताब में इस खुतबे में आपने तमाम खैर की बातों को जमा कर दिया है नबी करीम सलाम आपकी इस नसीहत से हमको महसूस हो रहा हमको लग रहा है कि ये आपका अलविदाई खिताब है यह आपका अलविदाई खिताब हमको महसूस हो रहा है यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सुनने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि गोया नबी करीम सलाम अब हमारे दरमियान नहीं रहेंगे बल्कि अल्लाह के नबी का यह अलविदाई खिताब है यानी इसके बाद अब नबी पाक सलाम कोई खिताब हमसे नहीं करेंगे तो कहते हैं कि फाउसिना या रसूल अल्लाह अल्लाह के सल्लम तो हमको कोई नसीहत कीजिए जी। हमें कुछ नसीहत कीजिए तो नबी करीम सलाम ने सबसे पहली नसीहत करते हुए कहा कि उसी कुंभ अल्लाह के नबी उनको नसीहत करते हुए कहा कि मैं तुमको अल्लाह के तकबा इख्तियार करने की वसीयत करता हूं मैं तुमको वसीयत करता हूं कि तुम अल्लाह से डरो जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करने के लिए कहा है उसको करो और जिन बातों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको बचने के लिए कहा उससे बचो इससे तकबा की अहमियत का अंदाजा होता है पता चलता है कि इंसान के एक मुसलमान की जिंदगी में तकबा का होना कितना जरूरी है और मेरे भाईयों ये तकबाकाम का करना अमल का करना और जिन चीजों से रोका गया उससे रुकना यह उसी सूरत में मुमकिन है जब हमको उसका इल्म होगा हमको यह हो हमको क्या करने का हुक्म दिया गया है यह इल्म हो कि किस बात से हमको रोका गया है अगर यह इल्म नहीं है तो आप ना कर पाएंगे और ना जिन बातों से हमको और आपको बचता हम बच पाएंगे लिहाजा सबसे पहले पता चलता है कि असल इंसान की जिंदगी में तखवा उसी सूरत में पैदा हो जाएगी वो तकवा जिसका जिक्र करते हुए अल्लाह ने कुर मजीद में कहा कि या यादीन आमु आमनु ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो तकवाक का तो का यानी अल्लाह से डरने का तकवा अख्तियार करने का जो हक है मेरे भाइयों ये उसी सूरत में पैदा हो पाएगा जब हम और आपको इल्म होगा अच्छा इल्म का मतलब ये नहीं कि आप अल्लामा हो जाएं आप अल्लामा हो जाएं नहीं कम से कम वो चीजें वो अमाल जो आप पर वाजिब हैं उसका इल्म हासिल करना वाजिब है जो काम फर्ज आइन है फर्ज आइन का इल्म फर्ज आइन है शरीयत का मुकम्मल भाई वो फर्ज किफा है यह आम आदमी से मुतालबा नहीं इसका लेकिन कम अज कम वो इबादत वो काम जैसे मिसाल के तौर पर आप मालदार हैं आपको जक़ात अदा करना है तो जक़ात का इल्म आपको होना चाहिए आप मालदार हैं आप पर हज फर्ज है तो कम अज कम हज का इल आपका फर्ज आइन है तो आपसे यह मुतालबा नहीं कि हम्लामा हो जाए नहीं कम अज कम जो चीज़ें हम पे फर्ज आयीन है जिनका करना हम पर वाजिब है उस चीज़ का इल्म भी वाजब मेरे भाइयों तो तकवा सही मानों में कब पैदा होगा जब हम और आप इल्म हासिल करेंगे तो सबसे पहली चीज नबी करीम सलाम की नसीहत और वो नसीहत कि जिसकी गुजारिश साहब के राम ने यह सोच करके कि लगता है कि अल्लाह के नबी का यह आखिरी खिताब है उसमें नबी करीम सात उसम ने मेरे भाई सबसे पहले जिस बात की वसीयत की तकवा की वसीयत की दूसरी चीज अल्लाह के नबी नसीहत करते हुए कहा कि वह समी वा कुम तुम पर लाजिम है रिवायत के मुताबिक नस्ल के गुलाम को अगर तुम्हारा अमीर मुक्र कर दिया जाए मुतन कर दिया जाए और यह कह दिया जाए कि यह तुम्हारा अमीर है तो याद रखो उसकी बात सुनना और उसकी एतिहात करना तुम पर वाजिब है एतिहात को लाजिम पकड़ लो सुनो अताद करो वह इन तमी कुमायबन हबशीन अरबी ना हो आला नस्ल का ना हो आला खानदान का ना हो आला हसबोरसब का ना हो अगर किसी गुलाम को भी तुम्हारे ऊपर अमीर मुक्र कर दिया जाए तो याद रखो कि उसकी बात को सुनो अताद करो क्या मतलब है यह तो बात आम हो गई समोतात की लेकिन लेकिन नबी करीम सलातम के हदीस से जरा कुछ पाबंदियां लगती है क्या मतलब कुछ कैद लगती है वो क्या है कि सिर्फ नेकी और अच्छे कामों में इतात है अमीर की इतात किन चीजों में है भलाई के कामों में अच्छे कामों में अगर अमीर क्या करे किसी मासीत के काम की तरफ हमको और आपको बुलाए गुनाह के काम पर हमको और आपको आमादा करे तो हमको नहीं करना है तो अमीर की इतात क्या है मेरे भाई मारूफ चीज़ों में है नेक चीज़ों में है अगर अमीर उस काम का हुक्म दे जो काम खिलाफ शरीयत है तो ऐसी सूरत में एतात नहीं है उसके बाद नबी करीम्सातलाम तो फरमा रहे हैं कि वह इन नैया इशमिन कुम फसा यारखिलाफन कसीरा याद रखो कि तुम में से जो लोग जो शख्स मेरे बाद जिंदा रहे मेरे बाद उसकी उम्र रहे लंबी उम्र पाए मेरे बाद वो जिंदा रहे फस यारा अख्तिलाफन कसीरा तो करीब वो बहुत ज्यादा अख्तलाफ देखेगा वह फितनों को देखेगा वह शदीद अख्तलाफ को देखेगा उसके बाद नबी करीमलाम मेरे भाई उस इख्तलाफ में इंसान अपने दामन को कैसे बचाए इंसान दीन पर साबित कदम कैसे रहे इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुत्तकी परहेजगार बंदा बनकर कैसे रहे ऐसे इख्तलाफ में ऐसे फितनों के दौर में नबी करीम सलातम फिर उसका इलाज बता रहे हैं कि कैसे इंसान अपने दामन को फितनों से और इख्तलाफ से बचाए ये देखिए नबी करीम सलातम की पेशेन गोई अल्लाह के नबी जिनसे मुखातब होकर कर रहे हैं इख्तलाफ उनके ज़माने में सहाबा के दरमियान हुआ हजरत उस्मान के ज़माने से देख लीजिए हजरत उस्मान का कत्ल फिर अली का फिर खवारिजों का फितना इस तरीके से ये बात देखे नए नए हर दौर के एतबार से फितने पैदा हो रहे हैं और आज हमारे अपने जमाने के अंदर भी देख लीजिए कितने लोग किस किस बात का दावा करने वाले हैं हा? तो इन फितनों से नजात का तरीका नबी करीम मेरे साथ क्या बता रहे हैं बता रहे हैं कि फायदे कुंभ सुन्नति तो तुम पर मेरी सुन्नत मेरा तरीका क्या है लाजिम है मेरी सुन्नत की तबाह करो ऐसे जमाने में जब इख्तलाफ श हो जाएंगे जब लोग गुमराह हो जाएंगे लोगों की हालतों में लोगों की बातों में अख्तलाफ राय में अख्तलाफ कुरान को समझने में अख्तिलाफ हदीस के फहम में अख्तिलाफ तो ऐसी सूरत में नबी नब करी सलातम उसका इलाज बता रहे कि बिससुन्नती फ़ायरे को बिसनती मेरी सुनत को मेरे तरीकों को पकड़ लो आज हमारे दरम्यान क्या सूरत हाल है आज हमारे इख्तलाफ उठ रहे हैं खत्म नहीं हो रहे वजह यह है कि हम नबी नबे करी मल्सातलाम के तरीके पर नहीं चल रहे अल्लाह के नबी ने इख्तलाफ के खात्मे का जो तरीका बताया मेरे भाइयों इख्तलाफ का खात्मा इतिहाद मिल्लत के बैनर तले जमा होकर नहीं खत्म होने वाला है इख्तलाफ का खात्मा इतिहाद उम्मत के नाम पर लोगों को जमा करने से इख्तलाफ खत्म होने वाला नहीं है जमा भी हो जाए मेरे भाइयों तो भी इख्तलाफ खत्म नहीं होगा लेकिन नबी करीम ने उसका तरीका बताया कि फायर बिसुन्नती कि मेरी सुन्नत की पैरवी आज देखिए इख्तलाफ होता है आदमी क्या करता है नबी करीम सातम की वाज सही सुन्नत को जानने के बाद हदीस को जानने के बाद कहता है कि हमारे यहां तो हमारे इमाम साहब ये कहते हैं हमारे यहां तो हमारे फला ये कहते हैं कितनी बड़ी बात है मेरे भाइयों कितनी बड़ी जुरात है ये कि नबी करीम सतलम के कौल के मुकाबले में अल्लाह के नबी के हदीस के मुकाबले में आप किसी आदमी का कौल बयान करें अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रजा कहते हैं कि समा ये गरीब है कि आसमान से पत्थर गिरे और तुम उस पत्थर के जरिए से हला कर दिए जाओ इतना सख्त जुमला बिन किस बात को कह रहे हैं कह रहे इन صلى الله عليه وسلم मैं कहता हूं कि इस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा व और तुम कहते हो कि फला ने कहा फला ने कहा قال ابو بکر قال عمر हां हाँ फला ने कहा फला ने कहा बताइए ये कितनी बड़ी यानी ये जुर्म कितना बड़ा है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास नब्बा ये बात कह रहे हैं कि आसमान से जो तुम्हारा रवैया है दीन के सिलसिले में हदीस के मुकाबले में जो तुम्हारा रवैया है उस रवैये की वजह से करीब है कि आसमान से पत्थर बरसे और तुम हलाक कर दिए जाओ उसके बाद नबी करीम सात वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो व सुनतफा राशिदीन अलमहदीन और खुलफा की सुन्नत को मेरे खुलफा की सुन्नत को खुलफा राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो मेरे बाद मेरे सुन्नत के बाद राशिदीन की सुन्नत को पकड़ो उसके बाद कहते हैं कैसे पकड़ना है यानी चूंकि इख्तलाफ इस फितने के जमाने में लापरवाही से नहीं पकड़ना है दाएं बाएं होकर नहीं चलना है कैसे पकड़ना बिन ऐसे पकड़ो जैसे से कोई चीज पकड़ी जाती है दाग के आखिर हिस्सा कितना मजबूत होता है उससे अगर कोई चीज पकड़ ली जाए मजबूती के साथ तो छूटता है नहीं तो क्या ऐसे पकड़ो जैसे दाढ़ से कोई चीज पकड़ी जाती है मजबूती के साथ पकड़ो व्याकुमहदसातल और याद रखो लोगो कि तुम दीन में नई नई बातों को ईजाद करने से नए नए कामों को ईजाद करने से बचो बिदात से बचो आज हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है जब ये बात कही जाती है तो लोग अपने बात को मनवाने के लिए कहते हैं कि अगर इस तरीके से देखा जाए भाई बिदात किसे कहते हैं मेरे भाई हम जिस बिदात की बात कर रहे हैं अलबिदातुफीन बिदात दिन में है दीन में किसी काम को इजाद करना वो बिदात है ये बात कहा जाता तो कहा जाता है कि फला चीज माइक में अजान देना फिर हवाई से चलना ये भाई ये दुनियावी चीज है हम जिस बिदात की बात कर रहे हैं हम जिस बात पर तुमको टोकते हैं रोकते हैं वो दरअसल दीन में नई बात करने और दीन में नई चीजों को ईजाद करने की उससे ताल्लुक रखता है आयशा की बड़ी मशहूर रिवायत है मेरे भाई एक मरतबा नबी करीम करीमरेस्तु मौजूद है बैठे हुए अचानक एक कड़कड़ाहट की आवाज आई जिसको कहते हैं ना चरचराहट की आवाज चर्रा कर जैसे आवाज आती है तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आवाज कैसी है तो बताया गया कि ये दरअसल क्या होता है कि इनके यहाँ काश्तकारी का खजूर की पैदावार का अपना एक तरीका है और इनका यह मानना है कि खजूर की पैदावार में जब यह तदबीर अपनाई जाए ताबीर नखला कहते हैं कहते हैं ये जब तरीका अपनाया जाए खजूर की काश्तकारी में तो क्या होता है कि पैदावार बेहतर होती है नबी करीम अच्छा तो कहा अगर ऐसा ना करो तो नहीं होगा तो एक साल नबी करीम साम की बात को मानकर उन लोगों ने यह तरीका छोड़ दिया अच्छा जिस साल माना अल्लाह के नबी की इस बात को तो पैदावार उस वक्त बहुत कम हो गई तो आकर लोगों ने फजा फजाकुर जारी काली सलम तो लोगों ने आकर अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी अब तक पैदावार तो आकाशतकारी का खजूर की पैदावार का हमारा ये तरीका था और उस तरीके के मुताबिक हम अपने तरीके के मुताबिक रिवाज के मुताबिक चलते तो पैदावार बेहतर होती थी एक बार ऐसा हुआ कि आपके कहने से हमने काम किया पैदावार बराबर नहीं हो पाई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो अगर तुम्हारा अपना कोई काम दुनिया से मुतालिक है तुम्हारा अपना कोई दुनियावी मामला है तो तुम उसे अपने हिसाब से करो लेकिन अगर दीन का मामला है तो फिर याद रखना फिर मेरे हिसाब से करना पड़ेगा दीन का मामला है तो फिर दीन के हिसाब से अल्लाह की किताब के हिसाब से और नबी करीम्सात उसम के फरमान के हिसाब से आपको करना पड़ेगा तो बिदात क्या है बिदात यह है कि आप दीन में कोई बात बोले दीन में कोई काम करें यह बिदात है उसके बाद नबी करीम सलातम ने बिदात की तफरी किए बगैर हर बिदात को कहा गुमराई है और नबी करीम सात जैसा कि अपने खुतबे में कहा करते थे फिनार और हर गुमराह इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है यह नबी नब करीमलेतलाम का वो नसीहत है कि जिस खुतबे के बाद सहाबे ने महसूस किया कि लगता है ये अल्लाह के केसम की अलविदाई खिताब है और अल्लाह के रबी से गुजारिश कीजिए की की तो ही फायदे मंद इस्लामिक वीडियो देखने और मनहज पर किताब की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन